भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इस मुकाबले में फिर एक बार पाकिस्तानी खिलाड़ी शादाब ने रऊफ की तरह रोहित शर्मा के साथ वह नीच हरकत कर दी, जिसको देखने के बाद गौतम गंभीर का गुस्सा भी जमकर फूटा है। उन्होंने खरी खोटी सुनाते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम की खटिया खड़ी कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत वाकई में काबिले तारीफ रही थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाजों ने सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। शहीन अफरीदी हो या फिर नसीम शाह या फिर शादाब खान ही क्यों ना हो, सभी गेंदबाजों का धागा हमारे बल्लेबाजों ने जमकर खोल। पहले विकेट के लिए दो बल्लेबाजों ने 121 रनों की साझेदारी करी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाज लाचार नजर आ रहे थे। 16 ओवर का ही खेल लगभग हो पाया था, लेकिन आपको बता दे शादाब खान की गेंद पर 3 छक्के लगाने के बाद रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग पर फहीम अशरफ को अपना कैच दे बैठे। इसके बाद शादाब खान इतनी ज्यादा अग्रेशन में नजर आए कि उन्होंने रोहित शर्मा को अपना गुस्सा दिखाया और रऊफ की तरह वह हरकत कर दी जिस तरह से उन्होंने ईशान किशन के साथ करी थी। रोहित शर्मा उनका यह व्यवहार देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्होंने बीच मैदान पर कुछ कहना ठीक नहीं समझा। लेकिन यह पूरा मामला देखने के बाद कमेंट्री कर रहे गौतम गंभीर अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के मैदान पर इस तरह की हरकतों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा से ही भारत के साथ इस तरह की हरकतें करते आए हैं, लेकिन भारतीय टीम हमेशा इन चीजों को नजरअंदाज करती है। आज भी शादाब ने जिस तरह की हरकत रोहित शर्मा के साथ करी वह बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि रोहित एक सीनियर खिलाड़ी है और एक अनुभवी खिलाड़ी होने पर उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एंगर दिखाया फिर भारतीय उनसे बदला लेंगे तो यह बात पाकिस्तानी टीम को काफी ज्यादा बुरी लगेगी। मुझे लगता है शादाब को इस घटिया हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पिछले मुकाबले में भी रऊफ की हरकत को हम नजरअंदाज कर गए थे, लेकिन हर बार चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इस तरह से गौतम गंभीर ने फटकार लगाई है शादाब खान की। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या शादाब को रोहित से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएगा।